Kitchen, I hope you are all fit and fine. Today we discuss about a balanced chemical equation. कल की क्लास में हमने क्या किया था कि केमिकल इक्वेशन में कैसे हमने बैलेंसिंग किया था. केमिकल इक्वेशन मींस कि जो आपके पास रिएक्टेंट में एलिमेंट्स हैं उनके हमने एटम्स एंड प्रोडक्ट के एटम्स को कैसे इक्वल पार्ट्स में किए थे हमने. तो आई होप आपको कुछ समझ में आया भी होगा. आज फिर हमसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पार्ट टू करेंगे, लेकिन हम सेकंड मेथड अप्लाई करते हुए चलेंगे ताकि आपको ये ट्रिक भी समझ में आ जाए कि हम एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंसिंग करते हैं. तो अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्किप करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है इसके अंदर. तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो हम कोई केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं फिर बाय यूजिंग एबीसीडी मेथड से, या जो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ वो वाली. तो उससे हम करेंगे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक केमिकल इक्वेशन राइट डाउन कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, NH3+O2, ये तो हो गया रिएक्टेंट, बिकॉज इन प्रीवियस क्लास वी टेल अबाउट दिस इज रिएक्टेंट इन NHS एंड RHS इज द प्रोडक्ट. NH3+O2 एंड ये ले लिया मैंने यहाँ पे NO+H2O, और इसको हमने क्या दिखाना, बैलेंसिंग दिखाना, कि बैलेंस हम कैसे करके दिखाएंगे इसको. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें अप्लाई करते हैं क्या अपना एबीसीडी मेथड कैसे इसमें अप्लाई करेंगे. देखो, अगर मैं यहाँ पे इसमें ए मान लेती हूँ, यहाँ पे बी मान लिया, यहाँ पे सी, और यहाँ पे क्या मान लेती हूँ मैं, डी मान लिया अपने केमिकल इक्वेशन के अंदर. ओके, अब एक एक एटम उठाते जाएंगे हम. तो जैसे नाइट्रोजन का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो नाइट्रोजन कोफिशिएंट क्या रख लिया हमने, ए रख लिया. ओके, यहाँ पे देखो, अब प्रोडक्ट में चेक करो एन कहाँ पे, आपको यहाँ पे एन का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, सी है. ओके, इजगल्स टू का क्या लगा लिया हमने, साइन, और सी राइट डाउन कर लिया. एन के साथ अब क्या, हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन लेके चलते हैं. हाइड्रोजन के यहाँ पे एटम कितने, थ्री है, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ए है आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं इजिली, थ्री ए लिख सकते हैं. यस, यहाँ पे हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे इजगल्स टू क्या आपके पास, टू डी. ओके, नेक्स्ट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, नाइट्रोजन कंप्लीट हो गया, भी हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया. देन उसके बाद बचता है हमारे पास क्या, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन देखो एटम्स कितने, इसके टू है, और कोफिशिएंट क्या है, बी है, हमने टू भी लिख लिया. ओके, इक्वल्स टू का साइन, अब देखो ओ आपका कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, सी, यहाँ पे इसका क्या है, डी. ठीक है, अब हमारे पास तीन चीजें आ गई. अब इन तीनों चीजों में ये देखो कि कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर, मतलब तीनों में क्या क्या है. भाई ए इज इक्वल टू सी, ठीक है, ए इज इक्वल टू डी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बी इज इक्वल टू सी प्लस में डी, मतलब कि ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, और सी भी आ रहा है, तीनों में कंबाइंड आ रहे हैं. तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करके चलेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, वन मान के चलेंगे. किसी भी एक टर्म को वन मानने में कोई दिक्कत नहीं है. मैंने ए को वन मान लिया, ए को अगर वन मानेंगे तो सी भी क्या हो गया, वन हो जाएगा. यस, अब सी अगर वन हो गया आपके पास, तो हमने बी और डी की वैल्यू भी निकालनी, और बी और डी की वैल्यू कैसे निकालनी, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू वन कर देती हूँ यहाँ पे, थ्री वन इज इक्वल टू में टू डी, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 3/2 हो जाएगी. यस, 3/2 हो गया हमारे पास, c की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई, अब बची क्या हमारे पास, b की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे. यस, c 1 प्लस d इज 3/2, ऐसे हम लेंगे 2 3 5 5/2, b की वैल्यू मल्टीपल है 2 इसके साथ, अपॉन में क्या हो जाएगा, ठीक है, 5/4 हो जाएगा. a की वैल्यू 1 आ गई, यस, c की वैल्यू 1 आ गई, ओके, d की वैल्यू 3/2 एंड b इज 5/4. अब जो ये चारों वैल्यू आई है वो हम इस इक्वेशन में पुट करते हुए चलेंगे. अब a की जगह अगर मैं यहाँ पे 1 कर देती हूँ, तो हम इक्वेशन यहाँ पे राइट डाउन कर लें. ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने 1 पुट कर दिया, तो एट इट इज हमारे पास NH3 आ गया. ओके, O2 b कोफिशिएंट है, b की वैल्यू क्या है, 5/4, b की जगह हमने वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे. ओके, अब c की वैल्यू क्या है, 1 है, हम एज इट इज लिख लेंगे, NO प्लस H2O, मतलब d है, d की वैल्यू क्या है, 3/2 H2O. ओके, अब देखो
नीचे इसमें 4 है, यहाँ पे 12 मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे इसका, अब इसको भी नीचे से हटाएंगे। अब नीचे किससे हटाएंगे ताकि ये नीचे की टर्म भी हट जाए। अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो नीचे का सारा हट जाएगा। यस, ये हो जाएगी हमारे पास 4NH3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कैंसिल आउट, ओके 5O2 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो गया 4NO प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें 2 2 4 2 3 6 H2O। देखो ये आपकी होगी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, कि हमने एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंसिंग किया है। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे A B C D चार में पुट अप कर दिया, उसके बाद देखो एक एक एलिमेंट को उठाते जाओ उनके एटम्स का ध्यान रखते हुए, कि हमने नाइट्रोजन को लिया पहले, कि नाइट्रोजन के हमारे पास ए है, देन प्रोडक्ट में चेक करोगे उस एकाई के एन का अपर क्या है, सी गिवन है, तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया सी, ओके। उसके बाद क्या है कि हमने यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को लेते हैं, अब हम हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम इज 3 एंड ए आपके पास 3, ए इज इक्वल्स टू दैट इज प्रोडक्ट में हाइड्रोजन जो कंटेन कर रहा है वो 2D कंटेन कर रहा है, इज इक्वल्स टू 2D, इज दैट क्लियर। देन उसके बाद नाइट्रोजन हाइड्रोजन को चेक करने के बाद ये देखो और क्या क्या एलिमेंट्स आपके पास बच गए हैं। अब हमारे पास एलिमेंट क्या बच गए, ऑक्सीजन बच गया हमारे पास। अब ऑक्सीजन के देखेंगे हम, चेक करेंगे नंबर ऑफ एटम इज 2, 2B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट C प्लस क्या हो गया हमारे पास D, ओके इज दैट क्लियर। अब इन तीनों में से आप किसी भी एक टर्म को 1 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया A को 1 मान लिया, अगर A को 1 मानेंगे तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्लियर है तक। उसके बाद A की वैल्यू जो हमने 1 रखी है वो हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो D की वैल्यू इसमें निकल के आ जाएगी। अब हमारे पास A, C एंड D की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें क्या निकालना, पुट करके हम B की वैल्यू भी इजीली फाइंड कर लेंगे। अब A, B, C, D की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने क्या करना, ओनली इक्वेशन में A की जगह A की वैल्यू, B की जगह B की वैल्यू, C एंड D की जगह उनकी वैल्यू पुट अप करते हुए देन उसके बाद ये देखेंगे अगर वो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को हटाने के लिए ऐसा किस बेसिस से मल्टीप्लाई करें ताकि नीचे से वो जो नंबर्स आए हमारा वो रिमूव हो जाए इजिली। तो हमें उसको क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, बिकॉज नीचे क्या रहा हमारा 4 आ रहा था। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंसिंग हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब करते हैं इसी तरह से हम नेक्स्ट इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन व्हाट इज कि MnO2 प्लस AlMn प्लस Al2O3। अब इसको भी बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग कैसे करोगे, जैसे ही मैंने आपको मेथड बताया था हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर देते हैं, A B C D कोफिशिएंट हम राइट डाउन कर लेते हैं, ओके। देन उसके बाद हम मैग्नीज, Mn क्या होता है, मैग्नीज होता है ना, Mg हमारा मैग्नीशियम होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। मैग्नीज का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, A है, और प्रोडक्ट में क्या हमारा C है, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम इज 2 और यहां पे क्या है, A है, तो हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं 2A, ओके। यहां पे देखो नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन इज 3, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3D, बिकॉज़ ऑक्सीजन हमारे कहीं पे भी और लाइन नहीं कर रहा है, ओके। मैग्नीज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, देन उसके बाद हम एल्युमिनियम को चेक करते हैं, एल्युमिनियम इज B एंड प्रोडक्ट इज गिवन, नंबर ऑफ एटम्स इज 2 एंड 2D, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, ओके। अब देखो A को मैंने क्या मान लेती हूँ, मैं 1 मान ली, लेट A इज इक्वल्स टू 1, तो C भी क्या हो गया हमारा 1 हो जाएगा, ओके। A की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो D की वैल्यू इजली हमारे 3/2 आ जाएगी, ओके। देखो यहाँ पे 2/3 आएगी, ओके सॉरी फॉर दैट। A की वैल्यू जैसे हमने 1 किया तो 2 आ गया, 2 इज इक्वल्स टू 3 है, तो D साथ मल्टीप्लाई साइड है क्या होगा डिवाइड, तो D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब B की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल्स टू 4/3 यहाँ पे हो गया। अब ये वैल्यू जो है वो हम पुट अप करते हुए चलेंगे अपने इक्वेशन के अंदर, कि A की वैल्यू तो 1, तो ये तो आ गया हमारे पास एज इट इज, प्लस B की वैल्यू क्या है 4/3 एल्यूमिनियम,
ओके सी के हमारे पास वन तो मैग्नीज प्लस डी की वैल्यू क्या है टू बाई थ्री एंड ए एल टू ओ थ्री ओके। अब नीचे की जो फ्रैक्शन नंबर है नीचे टर्म को हमें क्या करना है रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए थ्री को हटाने के लिए हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा थ्री एम एन ओ टू प्लस फोर ए एल एंड प्रोडक्ट इज थ्री एम एन प्लस टू ए एल टू ओ थ्री। आप काउंट कर भी सकते हो हर एक एलिमेंट के एटम को इक्वल है या नहीं है कि भाई मैम ने जो मेथड अप्लाई करवाया वो एक्चुअली में इसको सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम चेकआउट कर लेते हैं और वेरीफाई कर रहे हैं। देखो मैग्नीशियम नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज थ्री एंड प्रोडक्ट इज थ्री। क्लियर मैग्नीज हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया बैलेंसिंग हो गया। देन ऑक्सीजन को चेक करें थ्री टू जा सिक्स ऑक्सीजन के एटम्स नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए सिक्स एंड दिस प्रोडक्ट इज आल्सो सिक्स आपका बिकॉज टू एंड थ्री थ्री टू जा सिक्स। देन चेक आउट ऑफ एल्युमिनियम नंबर ऑफ एटम इज फोर एंड इन प्रोडक्ट इज एल्युमिनियम इज आल्सो ऑन फोर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हमने एक केमिकल इक्वेशन को एबीसीडी मेथड से कैसे हम सोल्व कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें भाई क्या नंबर ऑफ एटम्स आएगा नहीं आप कोई मिस्टेक करोगे एग्जाम में भी। तो इसी तरह से इसका हम थर्ड एग्जांपल लेके चलते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है कि एल्युमिनियम प्लस CuCl2 एंड प्रोडक्ट इज AlCl3 प्लस कॉपर जो आपके पास क्या है Cu गिवन है। तो इसको बैलेंसिंग करना बैलेंसिंग करने के लिए सेम यहाँ पे हम A B C एंड D इज अप्लाई कर देंगे हम ओके। एल्युमिनियम इज वन है तो A इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या है हमारा C के इक्वल ओके। B देन कॉपर चेक करेंगे हम कॉपर B प्रोडक्ट में क्या हमारे पास D है ओके एंड क्लोरीन इज 2B is equals to क्या हो गया हमारे पास 3C। देखो चेक करो हमने सही लिखा है ना ओके भाई एल्युमिनियम हो गया कॉपर भी हो गया क्लोराइड का भी हो गया। अब देखो हम लेट करके चलते हैं कि A is equals to क्या मान लेते हैं हमने 1 तो C की वैल्यू भी क्या हो गई इसलिए 1 हो गए। अब C की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी B की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे देखो B is equals to 2B is equals to क्या हो गया 3 तो B की वैल्यू क्या हो गई 3 बाई टू। B की वैल्यू अगर 3 बाई टू है तो D की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3 बाई टू हो जाएगी क्योंकि B इज इक्वल टू क्या है D है आपका। अब अप्लाई कर देंगे A की वैल्यू 1 तो Al प्लस B की वैल्यू क्या है 3 बाई टू CuCl2 ओके एंड C इज आल्सो 1 AlCl3 प्लस and D is 3 by 2 copper Cu, ठीक है? नीचे fraction number है, remove करने के लिए 2 से multiply कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2Al plus 3CuCl2 and 2 से multiply करेंगे 2AlCl3 plus 3CO and check करेंगे कि actually में सही है नहीं है? देखो aluminum number of atoms क्या 2 है? यहाँ पे भी क्या है? 2 है, that is balancing. Then copper is 3 and 3 okay chlorine is 3 to 6 and यहाँ पे क्या 3 to 6 आपके पास। तो ये क्या हो गया हमारे पास एक balancing chemical equation आ गई। तो हमने क्या किया काफी तरह के example लेके चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी इससे related कोई भी doubt ना रहे और आप easily question को solve कर लो जो भी आपके chemical equation से related आएंगे क्योंकि अभी तक तो हम कर रहे हैं chemical symbol का use करते हुए चल रहे हैं। But in next video में हम क्या करेंगे कि आपके पास एक chemical equation given होगी उसमें हमने उनका symbol use करते हुए then balancing करेंगे क्योंकि उसमें भी काफी बच्चों को problem आती है। जैसे कि symbol की बात है जैसे copper है तो इसको word में लिखेंगे हम पहले कॉपर उसके बाद आपको रिमेंबर दैट कि कॉपर का केमिकल सिंबल क्या होता है Cu होता है। जैसे सोडियम है सोडियम अगर हम लिखेंगे ऐसे फॉर एग्जांपल लेके चल रही हूं मैं अभी सोडियम लेके चले तो सोडियम का केमिकल सिंबल क्या हो जाएगा Na एंड पोटेशियम इज K। तो इस तरह से हम लेके चलेंगे ताकि उससे रिलेटेड आपके जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना साथ-साथ ताकि आपको
इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके कोई भी डाउट ना रहे, बिकॉज क्लास 10th का सेशन आपको स्टार्ट हो चुका है और हमने अपने वीडियो में मैथ और साइंस की सीरीज भी स्टार्ट कर दी, क्लास 10th और क्लास 9th की भी।